ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। गरियाबंद जिले की अमलीपदर तहसील के उरमाल गांव की 48 महिलाओं को लोन में छूट और आकर्षक बीमा का झांसा देकर 60 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल उरमाल में रहने वाला किशन देवांगन पिछले 3 साल से लगातार महिलाओं के नाम से महिला समूह बनाकर देवभोग में संचालित कई माइक्रो फाइनेंस बैंक से लाखों रुपए लोन निकाल चुका है। लगातार लोन की किस्त जमा हो रही थी, इसलिए मामले की जानकारी किसी को नहीं हुई, लेकिन पिछले 27 जुलाई से किशन देवांगन अपने परिवार समेत घर छोड़ फरार हो गया, जिसके बाद बैंक कर्मी किस्त की रकम वसूली के लिए महिलाओं के घर पहुँचने लगे। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। ठगे जाने का एहसास होने के बाद पीड़ितों ने पहले तो आरोपी के घर को घेर कर हंगामा किया, फिर न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंच गए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हमारे पैसा को ठग कर भाग गया है, हमारे नाम से पैसा निकाल कर किशन देवांगन भाग गया है। सहमति के लिए आए हैं, खाना भी हमारे कुछ समूह नहीं है। उस वाला बोले हैं कि हो जाएगा आपका काम, हम सहायता देंगे बोले हैं, जांच करेंगे उसके बाद हम सहायता देंगे बोले हैं। इनको कुछ 2,000-2,500 देने के लालच देकर ये देवभोग में जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जो आंध्रा बैंक बोलते हैं, तो वहीं लेकर सर वहाँ निकाले हैं। पहला जो निकाले हैं 40,000, उसका जो 50% कटने के बाद फिर सेकंड लोन फिर दे देते हैं। तो आपकी पत्नी का कितना बैंक से निकाला? तीनों बैंक से गए हैं सर, 40,000। हाँ, तो उसका 50% जो कटने के बाद ना फिर दोबारा लोन निकाल देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? अब जो है ना वो किशन देवांगन फरार है सर, वो पटाता था, तो उनके पास ना आकर हमारे घर घर आ रहे हैं जो कर्मचारी लोग बैंक सब पता चला। कितने हैं यहाँ सर? वो 60-70 महिला होंगे सर। सब उसके खाते में कितना लाख सर? लाख को एक एक जने का 1-1.5 लाख इस टाइप का पैसा 70-80 लाख होगा सर। करोड़ों में। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।